हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और अद्भुत वीडियो में। आज के वीडियो में जो है हम बात करेंगे यूएमपी की टिप्स एंड ट्रिक्स की। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपकी गेम प्ले को कहीं ना कहीं एक लेवल अप करने में मदद करेंगे। आज की जो यूएमपी टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी वो आपको यूएमपी एक्सपर्ट बना देंगी। तो आइए बिना कोई देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दे, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा ही तगड़े कंटेंट मिलता है। तो आइए सबसे पहली टिप से शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारी सबसे पहली टिप्स आती है कंट्रोल रिकॉइल। अब सभी लोग जानते हैं कि यूएमपी कितनी ज्यादा रिकॉइल करते हैं। ऐसे में अगर आप इसका रिकॉइल कंट्रोल नहीं करते तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि रिकॉइल कंट्रोल कैसे करना है। तो मैं कैसे रिकॉइल कंट्रोल करता हूँ कि मेरा एक रूल है 3 सेकंड रूल। मैं 3 सेकंड ही फायर करता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गैप ले लेता हूँ। यहाँ पर आप मेरी कोई भी गेम प्ले देख लो, कोई भी क्लिप देख लो, आपको यही देखने को मिलेगा कि मैंने 3 सेकंड फायर करा, उसके बाद एक छोटा सा गैप ले लिया, उसके बाद दोबारा से फायर करा। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि यूएमपी की जैसे ही 10 गोली लग जाती है उसके बाद दूसरी गोलियां रिकॉल होने लगती है। एंड मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले 10 गोली लगी, उसके बाद छोटा सा गैप ले लिया, फिर से 10 गोली मारी, फिर से छोटा सा गैप, ऐसे करके जो मैं बंदों को मारता हूँ। यहाँ पर आप वीडियो में भी साफ सीधा देख सकते हो। एंड दूसरा चीज मैं यह करता हूँ कि 2 सेकंड मारा, उसके बाद कोई मैंने गन चेंज कर ली या फिर एक बार बैठकर खड़ा हो गया, ऐसी कुछ चीजें करता हूँ अपने कंट्रोल को रिकॉल करने के लिए। तो आप भी सेम चीजें कर सकते हो अपने कंट्रोल को रिकॉल करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरी टिप्स की। तो दूसरी टिप्स है बी पेशल। आपको धीरज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि यूएमपी बहुत ज्यादा रिकॉल करती है। तो ऐसा में जो है हमें धीरज की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। यहाँ पर आप क्लिप में देख सकते हो कि सबसे पहले बंदा मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज देता है, मेरी एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, उसके बाद वो बंदा धीरज नहीं रखता। वो बार बार क्या करता है कि बाहर आता है फायर करता है, बाहर आता है फायर करता है। एंड मैं क्या करता हूँ, एकदम पेशेंट के साथ काम लेता हूँ, धीरज से काम लेता हूँ, और जैसे वो बाहर आता है पट से उसको जो ड्रैग हेडशॉट मार देता हूँ। बंदे का काम 1 ही सेकंड में खत्म हो जाता है। ऐसे जो आपको पेशेंट बहुत ज्यादा काम में आएगा, मेरी दूसरी क्लिप्स में भी आप देख सकते हो कि पेशेंट मेरे को कितना काम में आता है। और यही पावर है यूएमपी का। आप अगर पेशेंट रखते हो तो आप बहुत अच्छा खासा ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। एंड ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए यहाँ पर आती है हमारी तीसरी टिप्स। हमारी तीसरी टिप्स है एम लॉक। आपको बंदे की बॉडी पर एम को लॉक करना पड़ेगा, बंदे की बॉडी पर या फिर मतलब बंदे के आसपास आपको एम को रखना पड़ेगा। मेरी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है इसलिए मेरे को जो है बंदे की बॉडी पर एम को लॉक करना पड़ता है। बट अगर आप मोबाइल प्लेयर हो, आपकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो आप बंदे के आजू बाजू में एम रखोगे तब भी चलेगा। काफी बार हम जो है ऐसे अंधाधुन फायरिंग करते हैं तो भाई यूएमपी में यह चीज वर्क नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिकॉल करती है। इसलिए आपको क्या करना है कि एम को जो है बंदे पर लॉक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं क्या करता हूँ, पहले धीरे से एकदम बंदे को एम पर लॉक कर लिया, उसके बाद ड्रैग हेडशॉट मारता हूँ, ड्रैग हेडशॉट लग ही जाते हैं। यहाँ पर आप काफी सारी क्लिप्स में देख सकते हो। एंड काफी बार क्या होता है कि बंदे को लॉक करने के चक्कर में बंदा हमारी काफी एचपी कम कर देता है। एंड ऐसे टाइम पर मैं यूज करता हूँ वुकोंग कैरेक्टर का, क्योंकि जैसे मेरी एचपी कम होती है मैं वुकोंग कैरेक्टर को दबा देता हूँ, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसने क्या करा। एंड फिर जैसे वो मेरे एम में लॉक हो जाता है मैं उसे डायरेक्ट ड्रैग हेडशॉट मार देता हूँ। तो आपको अच्छे से यूएमपी चलाने के लिए सही कैरेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। अगर ये वीडियो अच्छा खासा चल गया तो मैं इस बार भी वीडियो बनाऊंगा कि यूएमपी यूजर के लिए कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है। फिलहाल बात करते हैं फिफ्थ टिप्स की, जो कि है ड्रैग हेडशॉट सीखना पड़ेगा। यूएमपी ड्रैग हेडशॉट से ही जानी जाती है। एंड ड्रैग हेडशॉट में इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, आपको बस फायर बटन का ध्यान रखना होता है, अपने सेंसिटिविटी का ध्यान रखना होता है। वो बहुत सारी चीजें आगे फ्यूचर में भी सिखाऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल ड्रैग हेडशॉट तो आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा, अभी आप जो इस वीडियो पर क्लिक करके वन टैप हेडशॉट सीख लो, वो आपको बहुत काम आएगा।